पफबग का परिचय। पफबग यानी पफबगो चौथा वग है धम्मपद का। धम्मपद जो दुनिया की सबसे मशहूर और सबसे पहली छपने वाली किताब रही है, सारी भाषाओं में है, नेट पे इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी। उसका पफबग है, पफ का मतलब होता है फूल, फ्लावर, पुष्प भी बोलते हैं इसको संस्कृत भाषा में, क्योंकि शय तो पाली में होता नहीं इसलिए पफ होता है, पफ का बाद में पुष्प किया गया, और फूल भी बोलते हैं इसको साधारण भाषा में, आम भाषा में पफ का फूल हो गया, फ्लावर इंग्लिश में बोलते हैं। इसका एक पूरा वग है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो 45 साल पूरे जीवन पढ़ाई की, लोगों को पढ़ाया, उसमें वो उस समय जो भी अवेलेबल चीजें होती थी, एग्जाम्पल के लिए जो उस समय की होती हैं साधारण और प्राकृतिक, या जो मैन मेड भी हैं, आर्टिफिशियल भी हैं, तो वही मिलेंगी उदाहरण में जो उस समय अवेलेबल थी। इसलिए पुफ का यानी फूलों का उदाहरण देते हुए उन्होंने बहुत बार लोगों को देशनाएं दी, सिखाया, उपदेश दिए, प्रीचिंग की, टीचिंग की। उसके कोई कुछ 16 के करीब यहाँ पे जो गाथाएं हैं, जो वर्सेस हैं, जो छंद हैं, जो दोहे हैं, जो गीत हैं या कविता हैं या जो गीता है, वो यहाँ दिए हुए हैं। आपने गाना सुना होगा, फूल आहिस्ता से तोड़ो, फूल बड़े नाजुक होते हैं। तो फूल की जो उपमा है और फूल के बारे में जो भगवान बुद्ध ने बताया है, वो गजब का यहाँ बताया हुआ है। उन्होंने अपने पूरे वग में कहीं ये नहीं कहा कि आपको फूल कहीं चढ़ाने हैं, या फूल चढ़ाने से कुछ मिल जाता है, या फूल किसी को अर्पित करने से, समर्पित करने से आपको कुछ लाभ होगा, ऐसी एक भी उपमा उसमें नहीं है। क्योंकि पूरे धम्मपद में और पूरे 45 साल के जीवन में कहीं कोई गॉड नाम की चीज पूरे सिस्टम में या पूरे फिलॉसफी में या पूरे भगवान बुद्ध द्वारा बताया या उनके भिक्खु संघ द्वारा भी बताए हुए में एक शब्द कहीं गॉड का नहीं आता। ये एक बहुत कमाल की और बहुत आश्चर्यजनक बात है। इसलिए ये ध्यान रखें कि जब भी भगवान बुद्ध का या तथागत बुद्ध का या विनायक का या महादेव का, ये बहुत सारे नाम हैं उनके, हजारों नाम हैं, जब भी कभी आप साहित्य में बात करें और कहीं कोई साहित्य में आत्मा, परमात्मा या गॉड अगर जोड़ देता है तो वो बात बुद्ध की नहीं है, क्योंकि आत्मा, परमात्मा और गॉड ये तीन शब्द बुद्ध की किसी भी फिलॉसफी में नहीं है। तो जो लोग भूलवश महात्मा बोलते हैं उनको पता नहीं है कि महात्मा नहीं बोला जाता, उनको तथागत बोला जाता है या महामानव बोल सकते हैं, बड़ा मनुष्य बोल सकते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान बड़ा था। इस आधार पर अगर आप ध्यान दोगे थोड़ा सा भी, तो बुद्ध की जितनी भी मूर्तियां बनाई हैं, क्योंकि बुद्ध की मूर्तियां बुद्ध के समय तो बनी नहीं और कोई नहीं जानता कि बुद्ध की शक्ल और सूरत क्या कैसी थी, कल्पना मात्र है, इसलिए सारी मूर्तियां बाद में बनी है। तो बुद्ध की मूर्ति में खास बात दिखाई देगी आपको कि बुद्ध जिस आसन पर बैठाए जाते हैं या खड़े होते हैं वो कमल का फूल है, यानी कमल का पुष्प है, कमल का फ्लावर है, इसको लोटस बोलते हैं। तो लोटस उनके जीवन से भी जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि उनकी जो माता थी, उनको एक सपना आया बुद्ध के पैदा होने से पहले कि एक हाथी, सफेद रंग का हाथी, एक कमल का फूल सूंड में लेके उनके सपने में आया, ऐसा उनको बताते हैं। और जब उनका जन्म हुआ तो कहते हैं कि वो कमल के तालाब के पास ही उनका जन्म हुआ था, तो फूलों से उनकी बड़ी गहरी लगाव पहले से रहा है, खासतौर से कमल के फूल से। कमल के जो फूल है उसको पुफ राज भी कहते हैं, यानी फूलों का राजा भी कहते हैं। ये और भी बड़ी कमाल की बात है। यहाँ जो फूल है उसके दो मतलब आते हैं। फूल जो है यानी पुफ जो है उसको फूलना भी बोलते हैं, जैसे कहते हैं आटा फूल गया, या ये गुस्से में फूल के कुप्पा हो गया, या इसको फुलाना है, या वो फूल कर उड़ गया। ये जो फूलना होता है यानी किसी में हवा भर गई तो कहते हैं तो फूल गया, या कोई मोटा होगा तो कहेंगे कि तो फूल के मोटा हो गया। तो फूलने का मतलब फूलना होता है, मोटा होना होता है, और फूल का मतलब फ्लावर भी यहाँ होता है। तो ये सारे जो फूल हैं, और फूल से ही बना है, फूंक मार दो या फूंकना या फूंकनी, यानी हम जैसे गुब्बारे को फूंक मार कर फुकालते हैं तो फूंक मारना भी फूल ही होता है। तो फूल के दो मतलब हैं जो पूरी दुनिया में लगभग चलते हैं। और जो यहाँ जो वग है, उस वग में जो जिक्र किया हुआ है उसमें खुशबू का, यानी फूल की खुशबू का, या फूल में जो एगंध है, गंध नहीं है उसका, या फूलों के रंग का, या फूलों के प्रकार का, जैसे चमेली है या तगर का पेड़ है या जो कमल है इनके फूलों का, या जास्मीन है इनके फूलों का यहाँ जिक्र किया गया है। इनके बारे में बताया गया है कि इनकी उपमाएं दे दे के कैसा व्यक्ति को होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा जिक्र किया है। एक फूल जो होता है वो स्त्री के पेट में भी होता है। स्त्री के पेट में जो एग होता है, अंडा होता है, जिससे मनुष्य पैदा होता है, वो जब फूलता है तो उसको फूलवती बोलते हैं। जब उसका टाइम पूरा हो जाता है तो
उस महिला को कहते हैं कि अभी ये फूल बती है, तीन चार दिन तक फूल बती रहेगी, उसको भी यहां फूल बोला गया है। और पुफ चुंब टक, इस शब्द को याद रखें, पुफ चुंब टक या फूल चुंब टक। फूल चुंब टक इसलिए है कि जो फूलों का गुच्छा होता है, जिसको आप बुके बोलते हैं, जिसको बड़े बड़े लोगों को, नेताओं को, कलाकारों को स्वागत में दिया जाता है, कहते हैं, बहुत से लोग उसको बुका बोलते हैं, वैसे ये बुके शब्द है। और पाली में जो ये है, ये है फूल चुंब टक, फूल चुंब टक। तो जब भी आप किसी को अगर बुके दें तो एक बार कहें कि मैं आपके लिए यह है फूल चुंब टक लेके आया हूं, इसे लीजिए, धन्यवाद। Shit.